दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं ये सनी क्लेव सेक्टर 123 की लोकेशन पे है, जो कि गमाडा से अप्रूव्ड वाला एरिया है। और ये घर एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे है, बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है। 200 गज का ये घर है, 8 मरले का, 30 फुट बाय 60 फुट इस घर की डायमेंशन है। और घर के सामने बहुत बड़ा आपको पार्क भी मिलेगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन है, डबल स्टोरी है, 4 BHK हाउस आपको ये मिलने वाला है। ये घर लगभग पूरी तरह से रेडी हो चुका है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी की फिटिंग लगानी बाकी है और कुछ जगह पे वॉलपेपर जो है वो लगाने बाकी हैं, वो आपकी चॉइस के लगा दिए जाएंगे। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं एक बड़े पार्क में खड़ा हूँ, ये पार्क हमारे घर के ठीक सामने रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि घर के बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे एयरपोर्ट रोड रहेगी, तो उस तरफ आपको वो एयरपोर्ट रोड नज़र आ जाएगी जिसके ऊपर ट्रैफिक भी आपको नज़र आ जाएगा। तो ये एयरपोर्ट रोड हमारे इस घर के बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे है, वॉकेबल डिस्टेंस पे है। दोस्तों घर जो हमारा रहेगा वो इस तरफ आपको नज़र आ जाएगा और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन है, मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है जिसमें टाइल्स के साथ साथ एक अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है इसकी फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन करने के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक सिंपल और सोबर डिज़ाइन में ये घर बनाया गया है, बहुत ही प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ इस घर को बनाया गया है। घर के सामने एक बड़ा सा आपको रैंप एरिया मिलेगा, जिसके बाद आपको दो गेट मिलेंगे आयरन के, जिसमें फंडरमैक्स की शीट के साथ साथ स्टील का भी जो है यूज़ किया गया है। और रैंप एरिया हमारे एक अच्छे से एंटी स्किड के साथ है, जिसमें एक जगह पे आपको स्टेयर्स वाला एरिया भी मिल रहा है जो कि हमारे छोटे गेट के बिल्कुल सामने रहेगा, ताकि घर के अंदर आप आसानी से आ सकें। और जब आपको पार्किंग यूज़ करनी है तो ये बड़ा गेट आपको मिलेगा, जहाँ से आप अपने घर के अंदर गाड़ी ईजिली पार्क कर पाएंगे। और घर के आगे की तरफ एक काफ़ी बड़ा सा आपको पर्सनल गार्डन के लिए एरिया मिल रहा है, तो इसको आयरन की रेलिंग के साथ साथ फाइबर की शीट के साथ भी कवर किया गया है, ताकि जो आपका गार्डन एरिया होगा वो अच्छे से प्रोटेक्ट जो है वो रहे हमेशा के लिए। दोस्तों घर के अंदर आने पे आपको एल शेप में दो तरफ पार्किंग के लिए स्पेस जो है वो मिलेगी, लगभग 9.5 फीट बाय 19.5 फीट के साइज़ की पार्किंग की स्पेस घर के इस तरफ आपको मिलने वाली है, और लगभग 8.5 फीट बाय 20 फीट के साइज़ की पार्किंग की स्पेस आपको इस तरफ जो है वो मिलने वाली है। सारे पार्किंग एरिया में आपको ग्लोसी ग्रेनाइट जो है वो मिलेगा। और यहाँ पे हम आपको एक गार्डन एरिया दे रहे हैं जिसमें आप अपनी ग्रीनरी का शौक पूरा कर सकते हैं, ग्रीनरी हम अपनी तरफ से आपको मेंटेन कर देंगे। दोस्तों यहाँ से आप देख सकेंगे कि जो हमारी फ्रंट एलिवेशन है इसमें एक सिंपल और सोबर सा डिज़ाइन आपको मिलेगा, और इस तरफ हमने ये वाटर स्टोरेज बनाई है, वाटर टैंक बनाया गया है अंडरग्राउंड। और इस तरफ आपको एक छोटा सा एक हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों आप अपनी मोटर लगा सकेंगे और इसको अच्छे से कवर कर दिया है, ताकि जो आपकी मोटर है वो हर तरह से सेफ रहे, बारिश से भी बची रहे और एंटी थेफ्ट भी ये रहे। दोस्तों घर के अंदर जाने के लिए इस तरह से हमें रास्ता मिलेगा, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है जिसको पार्किंग की एरिया से थोड़ा सा उठाकर बनाया गया है। स्टेयर्स आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक कंक्रीट वाली परमानेंट वाली यहाँ से मिलेंगी, जिनके ऊपर ग्लोसी ग्रेनाइट भी रहेगा और स्टील की रेलिंग जो है वो रहेगी। और यहाँ से हमारे घर की शुरुआत होगी, आप देख सकते हैं कि लगभग 8 फीट की हाइट में हमें डोर्स मिल रहे हैं, और जितना भी वुडवर्क है, चाहे वो चौगार्ड्स हैं, चाहे वो डोर्स हैं, विंडोज हैं, सभी में ही बहुत ही फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क आपको मिलेगा इस घर के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे, सबसे पहले तो आपको एक बढ़िया घर की फीलिंग जो है वो आएगी, और इस तरफ आपका सेपरेट ड्राइंग रूम का हॉल रहेगा, लगभग 13.5 फीट बाय 14 फीट के साइज का एक अलग आपको ड्राइंग रूम का हॉल जो है वो मिलने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वुडवर्क के साथ एक अच्छा डिज़ाइन आपको बनाया मिलेगा यहाँ पर बनाया गया है, इसमें भी बहुत ही फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क रहेगा। और आगे की तरफ एक बढ़िया टीवी पैनल जो है वो आपको मिलेगा विद ओपन एंड कवर्ड स्टोरेज, और यहाँ पे आप अपने बड़े से साइज़ का LED लगा के ड्राइंग रूम में जो है टीवी का आनंद जो है वो ले सकते हैं। और घर के जितने भी बाहर की तरफ
कॉमन एरिया है, सभी में सीसीटीवी कैमरास लग जाएंगे। सभी का जो प्रोविजन है वो इस तरफ दिया गया है, वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। दोस्तों गेस्ट यूज के लिए इस तरफ हमने इस घर में एक प्रॉपरली बाथरूम बनाया है, लगभग 5 फीट बाय 7.5 फीट के साइज का प्रॉपरली बाथरूम हमारा यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे कंप्लीट जो है ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी फिटिंग जो है वो इंक्लूड रहेगी। वॉश बेसिन यहाँ पे काउंटर टॉप वाला रहेगा विद वैनिटी। वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट का प्रोविजन इस तरफ किया गया है और बाथिंग के लिए डाइवर्टर जो है वो उस तरफ रहेगा। ऊपर की तरफ जो है विंडो रखी गई है वेंटिलेशन के लिए, जिसमें एग्जॉस्ट फैन हमने इंक्लूड कर दिया है और एक थोड़ा सा वुडवर्क का एरिया इस तरफ भी दिया गया है। और यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ने पे हमें एक बड़े साइज़ का लिविंग एरिया मिलेगा। लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया लगभग 11.5 फीट बाय 21 फीट के साइज़ का है और एक बड़े साइज़ का वुडवर्क टीवी पैनल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज आपको इनमें मिलेगी और आप देख सकते हैं कि जो भी आपके सीसीटीवी कैमरास होंगे उनके लिए जो LED है, DVR है, वो सारा सेटअप आपका यहाँ पर लग पाएगा। प्रॉपरली हर चीज़ की प्रोविजन पहले से ही कर दी गई है। एक बड़ा साइज़ आपको यहाँ पे डाइनिंग एरिया के लिए मिल जाता है, लिविंग एरिया के लिए मिल जाता है, तो आप अपने बड़े से साइज़ का डाइनिंग टेबल यहाँ पे इजीली रख पाएंगे। इसके ठीक सामने हमें फुली मॉडुलर किचन मिलेगी, लगभग 8 फीट बाय 11.5 फीट के साइज़ की। कंप्लीट वुडवर्क आपको हमारे इस किचन में मिलेगा। वुडवर्क को हमने पहले से ही खोल दिया था, ओपन कर दिया था ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। और प्रॉपरली मॉडुलर किचन है, सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली किचन है। जितने भी ड्रॉर हैं दोस्तों सभी के सभी सॉफ्ट क्लोजर रहेंगे हमारे किचन में। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी जो है स्टोरेज हमें इस किचन में मिलेगी और ऊपर की तरफ भी बॉक्सेस जो हैं वो हाइड्रोलिक हमें मिलेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, ये प्रॉपरली सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली किचन हमें मिल रही है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ है। और किचन के टॉप पे हमें एक अच्छा शाइनिंग वाला स्टोन जो है वो मिलेगा काउंटर टॉप के ऊपर। कुकिंग एरिया हमारा इस तरफ रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि गैस सिलेंडर आपका बाहर रखा जाए, उसके लिए पाइप की फिटिंग पहले से कर दी है, प्रोविजन छोड़ दिया है। ऊपर की तरफ चिमनी का प्रोविजन जो है वो दिया गया है। और इस तरफ दोस्तों मॉडर्न डिज़ाइन के ब्रांडेड फिटिंग जो है मिक्सर टैप जो है वो लगा कर दिए जाएंगे। वॉशिंग एरिया में आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक बोर्ड हमारे रहेंगे, जो कि काफ़ी डीप भी हैं। और RO का प्रोविजन दोस्तों उस तरफ आपको मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको गीज़र का प्रोविजन और एग्जास्ट लगाने का प्रोविजन मिलेगा। और इस तरफ हमें वो विंडोज़ मिल रही हैं जिससे किचन में वेंटिलेशन अच्छे से होती रहेगी। ग्राउंड फ्लोर पर दोस्तों हमें 2 बेडरूम्स मिलेंगे और दोनों बेडरूम में जाने के लिए एक एक दरवाज़ा आपको जो है वो इस तरफ से नज़र आ जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं कि 8 फीट की हाइट के डोर हैं, वुडन चौगाट्स हैं और जितने भी हमारे चौगाट्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, सभी में बहुत ही फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क जो है वो आपको मिलेगा। दोस्तों लगभग 11 फीट बाय 15 फीट के साइज़ का एक आपको सेपरेट बेडरूम यहाँ पे मिलने वाला है ग्राउंड फ्लोर पे, जिसमें सीलिंग की हाइट तक फुल साइज़ के कपबोर्ड्स आपको मिलेंगे स्लाइडिंग डोर के साथ। और काफ़ी अच्छी स्टोरेज भी आपको इसमें मिलेगी, एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिल रहा है, बिल्कुल सिंपल और एक सोबर सा डिज़ाइन आपको इस घर में मिलेगा देखने के लिए। ठीक सामने हमें टीवी पैनल मिल रहा है विद ओपन स्टोरेज विद कवर स्टोरेज। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ हमारा सेपरेट ड्रेसिंग एरिया रहेगा इस तरफ, लगभग 6 फीट बाय 6 फीट का साइज़ है और काफ़ी बड़े बड़े मिरर जो हैं वो लुकिंग मिरर लगाए गए हैं, इस तरफ भी लगाए गए हैं और इस तरफ भी लगाए गए हैं, ताकि जब आप रेडी हो तो अपने आप को खुद को अच्छे से देख सकें। स्टोरेज यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है, ओपन स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इस तरफ हमें मिलेगा बाथरूम इस बेडरूम के साथ अटैच। दोस्तों लगभग 6 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें मिल रहा है
आप देख सकते हैं कि वॉल्स पे डोर लेवल की हाइट तक हमें ग्लॉसी टाइल्स मिल रही हैं, फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स मिल रही है और ड्यूल टोन कलर के डिजाइन का यहाँ पे यूज किया गया है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मॉडर्न और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग जो है वो इंक्लूड रहेगी, पोजेशन से पहले आपको लगा कर दी जाएगी। इस तरफ बाथिंग एरिया, शॉवर एरिया जहाँ पे यहाँ पे डाइवर्टर रहेगा और वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट जो है वो इस तरफ रहेगी। वैनिटी के साथ काउंटर टॉप वॉश बेसिन जो है वो इस तरफ हमें मिलेगा। और दोस्तों वेंटिलेशन में के लिए आप देख सकते हैं कि उस तरफ प्रोविजन दिया गया है जिसमें एग्जॉस्ट फैन हमने पहले से ही लगा दिया है, वो इंक्लूड रहेगा। और इस तरफ हमें इस बेडरूम के साथ बड़ी विंडोज़ मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। विंडोज़ पे हमारी आयरन की जो ग्रिल्स हैं वो लगाई गई हैं। ऊपर की तरफ ये जो आपको वुडन बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारी स्प्लिट एसी की प्रोविजन है। और इस बेडरूम से हमें रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए एक दरवाज़ा मिलेगा। और हम रियर वॉशिंग एरिया में दोस्तों दोनों बेडरूम से आ सकते हैं। दोस्तों लगभग 8 फीट बाय 20 फीट के साइज़ का आपको रियर वॉशिंग एरिया मिल रहा है। बहुत अच्छी यहाँ पे आपको स्पेस एक मिल रही है जहाँ पे आप इजीली अपनी वॉशिंग मशीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, फुली ऑटोमेटिक। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ आप अपना एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हैं। ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं कि ओपन रहेगा तो वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। दो टैप्स हम आपको इस तरफ लगा कर देंगे, दो टैप्स हम आपको उस तरफ लगा कर देंगे। और गीज़र का प्रोविज़न जो है इस बाथरूम का उस तरफ किया गया है और इस बाथरूम का इस तरफ किया गया है। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे जो बाथरूम हैं उनके गीज़र जो हैं वो बाहर की तरफ लगाए जाएंगे। तो अब हम चलते हैं दोस्तों ग्राउंड फ्लोर के दूसरे बेडरूम को देखने के लिए। और दूसरे बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से हमें दरवाज़ा मिलेगा और सेम वर्क आपको मिलने वाला है। लगभग 11 फीट बाय 15 फीट के साइज़ का बेडरूम हमें ये दूसरे वाला मिलेगा जिसमें सीलिंग की हाइट तक हमें कबर्ड्स मिलेंगे स्लाइडिंग डोर के साथ। काफ़ी बड़े साइज़ के हमें कबर्ड्स मिल रहे हैं, फुल साइज़ के कबर्ड्स हमें मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ हैं। और सेम ऐसा ही कलर कम्बिनेशन यूज़ करके टीवी पैनल बनाया गया है इस तरफ विद ओपन स्टोरेज विद कवर्ड स्टोरेज। दोस्तों फॉल्स सीलिंग में आपको एक अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे मिलने वाला है जिसमें एलईडी लाइट्स भी हैं और वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है। और इस तरफ एक विंडो आपको मिलेगी फिक्स वाली। रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए दरवाज़ा इस बेडरूम से भी मिलेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स आपको ये नज़र आ रहा है ये स्प्लिट एसी का प्रोविज़न है जो कि इस बेडरूम के लिए रहेगा। पीछे की दीवार पे हमारी तरफ से वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा, पोजेशन से पहले लगा कर दिया जाएगा, आपकी चॉइस का होगा वो वॉलपेपर। और दोस्तों इस बेडरूम में भी ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी बड़े लुकिंग मिरर के साथ है और काफ़ी अच्छी स्टोरेज रहेगी। नीचे की तरफ हमें कवर्ड स्टोरेज मिल रही है, इस तरफ हमें ओपन स्टोरेज मिल रही है। और यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बाथरूम रहेगा हमारा अटैच, लगभग 5 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का। और डोर लेवल की हाइट तक हमें ग्लोसी टाइल्स जो है वो मिल रही हैं, फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स हमें मिल रही हैं। इस बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए उस तरफ विंडो दी गई है, एग्जॉस्ट फैन पहले से लगा दिया है। बाथिंग एरिया इस तरफ रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको पार्टीशन भी कर सकते हैं, ग्लास पार्टीशन यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। और डाइवर्टर हमारा रहेगा ब्रांडेड, ऊपर की तरफ शॉवर का रहेगा प्रोविजन। और यहाँ पे काउंटर टॉप वॉश बेसिन रहेगा वैनिटी के साथ ब्रांडेड। और इस तरफ रहेगी दोस्तों टॉयलेट सीट जो कि वॉल हैंगिंग रहेगी, वॉल माउंटेड। तो ये थी हमारे ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। चलते हैं दोस्तों पहली मंजिल की अकोमोडेशन को देखने के लिए। और पहली मंजिल की अकोमोडेशन को देखने के लिए, पहली मंजिल पर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं वो घर के बाहर से रहेंगी, परमानेंट वाली, कंक्रीट वाली। इनमें ग्लॉसी ग्रेनाइट रहेगा और स्टील की रेलिंग जो है वो हमें मिलेगी फ्रंट साइड पे। और दोस्तों पहली मंजिल पे हमें दो बालकोनीज अलग अलग मिल रही हैं। एक तो हमारी ये बिल्कुल सीढ़ियों के साथ है, यहाँ पे भी हमारी जो है ग्लास टफन ग्लास की रेलिंग है, स्टील की रेलिंग है। दूसरी बालकोनी हमें उस तरफ मिल रही है, अभी हम जो उस बेडरूम में जाएंगे तो उस तरफ से मैं आपको वो बालकोनी भी दिखा दूंगा। और घर के सामने पार्क रहेगा हमेशा के लिए।
और दोस्तों इस तरफ आपको एक अलग से स्पेस जो है वो नज़र आएगी जिसको कवर किया गया है। यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर का जो किचन है उसके जो सिलेंडर है वो यहाँ पे रख सकते हैं। पाइप की फिटिंग पहले से कर दी है, इन्वर्टर भी आप अपना इसी एरिया में लगवा सकते हैं। और दोस्तों पहली मंजिल की एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं कि हमें बड़े साइज़ के डोर्स मिल रहे हैं, मैश डोर हमें मिल रहा है काफ़ी अच्छी वुडन फिनिशिंग के साथ, पॉलिश फिनिशिंग के साथ। और ये रहेगा हमारा मेन एंट्रेंस डोर, इस पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क आपको मिलेगा। दोस्तों पहली मंजिल पे आपको एक बड़े साइज की लॉबी मिलेगी, लगभग 11.5 फीट बाय 20.5 फीट का साइज है। तो यहाँ पे भी आप अपना डाइनिंग टेबल और सोफ़ा सेट अलग अलग रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। फॉल सीलिंग में एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिलेगा बड़े साइज़ का। इसके साथ ही दोस्तों इस लॉबी एरिया में उस तरफ आपको स्प्लिट एसी का प्रोविज़न मिलेगा और प्रॉपरली ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही फुली मॉडुलर किचन आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलेगी, लगभग 8 फीट बाय 11.5 फीट के साइज़ की। और फर्स्ट फ्लोर की जो किचन है यहाँ पे ग्रे, लाइट ग्रे कलर और वाइट कलर की सनमाइके का जो है वो यूज़ किया गया है और हर चीज़ की प्रोविज़न आपको ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही पहली मंजिल की किचन में भी मिलेगी। और दोस्तों पहली मंजिल पे हमारे दो बेडरूम रहेंगे इस घर में। पहला बेडरूम हमारा आगे की तरफ रहेगा, दोस्तों लगभग 13 फीट बाय 13 फीट का साइज़ है इस बेडरूम का आगे वाले का। और इस बेडरूम में भी आप देख सकते हैं कबोर्ड्स हमें काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ मिल रहे हैं, स्लाइडिंग डोर वाले कबोर्ड्स हैं, पूरी सीलिंग की हाइट तक हमें मिल रहे हैं। और इसी कलर कम्बिनेशन में हमें आगे की तरफ टीवी पैनल मिल रहा है, एलईडी पैनल मिल रहा है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको इस पैनल में भी मिलेगी विद ओपन स्टोरेज विद कवर्ड स्टोरेज। और दोस्तों फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स का डिज़ाइन हमें मिल रहा है इस बेडरूम के साथ और स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन जो है वो उस तरफ हमें मिलेगा। दोस्तों आगे की तरफ हमें विंडोज़ मिल रहे हैं काफ़ी बड़ी सी, एक फिक्स वाली विंडो मिल रही है, एक ओपन करने वाली विंडो मिल रही है और टफन ग्लास रहेगा दोस्तों हमारा विंडो में। और यहाँ से हम आगे बढ़ के बालकोनी में जा सकते हैं, तो एक बड़े साइज़ की बालकोनी हमें दूसरी वाली मिल रही है जो कि इस बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक अच्छा नज़ारा आपको हमेशा के लिए मिलता रहेगा, रोड बिल्कुल नज़दीक है एयरपोर्ट रोड और ठीक सामने आपको बड़ा पार्क भी है जो वो मिलेगा इस घर के। दोस्तों इस बेडरूम के साथ इस तरफ हमारा ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट रहेगा, इसमें आप देख सकते हैं कि लुकिंग मिरर बड़े साइज़ का लगा दिया गया है, स्टोरेज हमें ओपन स्टोरेज कवर्ड स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज जो है वो मिलेगी। और बाथरूम हमारा इस तरफ रहेगा अटैच। दोस्तों लगभग 5 फीट बाय 7.5 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें मिलेगा और ग्लोसी टाइल्स हमारी रहेंगी डोर लेवल की हाइट तक, एंटी स्किड टाइल्स रहेंगी फ्लोरिंग में, ब्रांडेड फिटिंग जो है वो इंक्लूड रहेगी, पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। विंडो हमने इस बाथरूम में उस तरफ दी है, एग्जॉस्ट फैन पहले से लगा दिया है। और जो फोर्थ बेडरूम है इस घर का, उस बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से दरवाज़ा मिलेगा हमें। इस बेडरूम का साइज़ ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही 11 फीट बाय 15 फीट है, एक अच्छे साइज़ का बेडरूम हमें पहली मंजिल पे पीछे वाला भी मिल रहा है, स्लाइडिंग डोर वाले कबोर्ड्स हमें मिल रहे हैं, सीलिंग की हाइट तक है, ड्यूल टोन कलर कम्बिनेशन के साथ है। और फ्लोरिंग में आप देख सकते हैं कि इस बेडरूम की जो फ्लोरिंग है इसमें वुडन फ्लोरिंग की लुक वाली टाइल्स जो है वो लगाई गई है। आगे की तरफ हमें टीवी पैनल मिल रहा है दोस्तों विद ओपन स्टोरेज विद कवर्ड स्टोरेज। और इस मास्टर बेडरूम में फॉल सीलिंग में जो एलईडी लाइट्स हैं उसमें वुडवर्क का भी एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिल रहा है। यहाँ से हमें विंडोज़ मिलेंगी रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए, बड़े साइज़ का हमें टेरेस एरिया वॉशिंग एरिया फर्स्ट फ्लोर में मिल रहा है, वहाँ पे आप इस बेडरूम के रास्ते भी जा सकते हैं और कॉमन एरिया से भी जा सकते हैं, दोनों तरफ से दरवाज़ा जो है वो दिया गया है। दोस्तों फिक्स वाली विंडो ओपन वाली विंडो हमें मिल रही है, दरवाज़ा हमें मिल रहा है, ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविज़न हमें मिल रहा है,
साथ ही इस बेडरूम में भी हमारा एक बड़े साइज का ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट मिलेगा इस तरफ, जिसमें बड़े साइज के लुकिंग मिरर जो है वो लगा दिए हैं ताकि आप रेडी होते हुए खुद को अच्छे से देख सकें, और स्टोरेज हमें काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है इस ड्रेसिंग एरिया में भी। और यहाँ से बाथरूम हमारा कनेक्टेड रहेगा इस तरफ, लगभग 6 फीट बाय 8 फीट का साइज है इस बाथरूम का भी। और डोर लेवल की हाइट तक हमें ग्लोसी टाइल्स मिलेंगी, फ्लोरिंग मेंटिस की टाइल्स, ब्रांडेड फिटिंग हमारी इंक्लूड रहेगी, एग्जास्ट उस तरफ लगा दिया है वेंटिलेशन के लिए। तो ये दोस्तों हमारे इस घर के साथ मिलने वाली अकोमोडेशन है। इसके साथ ही पहली मंजिल पे हमें बड़े साइज़ का टेरेस एरिया भी मिलेगा, जिसके लिए इस तरह से रास्ता हमें मिलेगा, और आप इस एरिया में वॉशिंग मशीन इजीली यूज़ कर सके, उसका कंप्लीट प्रोविज़न जो है वो हम आपको कर देंगे हर चीज़ के लिए। और यहीं से हमें स्टेयर्स दोस्तों आयरन की दी जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक छत तक जाने के लिए। तो फटाफट से हम उस छत पे जाके इस घर के आसपास का जो है नज़ारा या एरिया उसको भी देख लेते हैं। तो क्योंकि दोस्तों हमारा लगभग 2 मंजिल बना हुआ घर है तो काफ़ी बड़ा छत का एरिया हमें मिल जाता है। दोनों फ्लोर के लिए अलग अलग वाटर टैंक आपको मिल जाएंगे इस घर में, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 मंजिल की कंस्ट्रक्शन और करवा सकते हैं। जैसी आपकी ज़रूरत हो वैसा आप यहाँ पे काम करवा सकते हैं। और यहाँ से आपको पार्क भी अच्छे से नज़र आ जाएगा बड़े साइज़ का, और एयरपोर्ट रोड भी बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे जो है वो नज़र आ जाएगी। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर। अभी इस वीडियो को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। इस वीडियो के ज़रिए हमने इस घर को बहुत अच्छे से देखा, पूरी डिटेल में देखा। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, धन्यवाद।